जिस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जे लद्देवाल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि इनकी मैरिज को 10 साल हो गए हैं, और जे बता रही कि उस समय से इनको दुष्ट आत्मा के बहुत ज्यादा अटैक्स आते थे। जैसे जे बता रही कि 2 महीने बीते थे या 3 महीने बीते थे, इनको दुष्ट आत्मा ऐसे अटैक्स आ जाते थे और जे काफी परेशान थे, जिसके कारण इनके हार्ट, इनके दिल में भी बहुत ज्यादा दर्द निकलती थी और जे बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे थे, फिर भी जे सिस्टर अच्छे नहीं हो रहे थे। और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसके कारण इनके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो जाता था और जिसके कारण जे बता रहे कि जे बहुत परेशान हो चुके थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जे इसके कारण किसी सियाने तांत्रिक बाबे के पास भी जाते थे। और इन्होंने बताया कि जब जे प्रेग्नेंट थे और उस समय जब जे बाबे के पास जाते थे, तो उन्होंने इनको बोला था कि जब भी आपका बेबी होगा तो उसकी बलि दी जाएगी। तो जिसके कारण इन्होंने हवन करवाया और कुछ पैसे भी उनको दिए। और इन्होंने बताया कि अभी तो इनका बेटा हो गया है, वो 7 साल का है, पर जो इनके घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहती थी, दुष्ट आत्मा के बहुत ज्यादा अटैक्स आते थे और इनको जो इनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, और जिसके कारण जो लगातार मेडिसिन खा रहे थे। और इन्होंने बताया कि इनको 10 सालों में 10 साल हो चुके थे कि सही तरह इनको नींद भी नहीं थी आती। और अभी इन्होंने बताया कि एक हफ्ता पहले जो काफी परेशान हो चुके थे कि इनको रात के समय बिल्कुल भी नींद नहीं थी आ रही, और जैसे इनको गुड न्यूज मिली, और इन्होंने बताया कि जे 6 मार्च संडे की मीटिंग में आए और जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसी समय इनके ऊपर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आउट आउट फ्री आउट चल निकले के जीवन से शतान, चल ले के जीवन से चलास, चल 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 एक के जीवन से। आज तेरा लास्ट दिन है, तेरा लास्ट दिन है शतान, आज तेरा लास्ट दिन है। जो तू गुप्त रूप में छिपकर काम कर रहा है, जिस जिस के जीवन में भी तू गुप्त रूप में छिपकर काम कर रहा है, मैं यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं। मैं आप क्या करता हूं, चल अपनी आंखों को बंद करो, रिसीव करो, चलो उखड़ उखड़ शैतान उखड़। हर बीमारी का आत्मा, कर्ज का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, आउट आउट नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ। और जैसे ही दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो गया, जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, उस दुष्ट आत्मा को डांटा गया। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। उठाओ उसे, उठाओ उसे, उठाओ उठाओ उठाओ। क्या नाम है बहन तेरा? सही करो, शर्ट करो। मेरी तरफ देखो, क्या हुआ, क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम, क्या है? मैं शैतान है। शैतान है तू? हाँ, क्यों पकड़ा इसे तूने? हम शैतान है कि नाम किया तेरा, शैतान है ना? हाँ, कब से है तू इसकी बॉडी में, कब से तू इसके अंदर, कब से काम कर रहा है तू? हाँ, 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं। चल छोड़ो सी, ओ शैतान, इधर देख, मेरी तरफ देख। चल छोड़ो सी, चल छोड़ 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 छोड़, ये छोटा शैतान, चल चल पूरी तरह से, चल इसकी बॉडी से उखड़, चल छोड़ उसे पूरी तरह से, आउट फ्री, फ्री द नेम ऑफ जीसस, फ्री। खुदा, जो तूने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार से मैं इसकी बॉडी से इसको उखाड़ता हूं। चल शैतान उखड़ जा इसकी बॉडी से पूरी तरह से, चल उखड़, चल पूरी तरह से इसकी बॉडी से उखड़ उखड़। चल दोबारा कभी भी इसकी बॉडी में दोबारा कभी नहीं आना, चल फ्री, फ्री द नेम ऑफ जीसस, बी हील, बी फ्री।
उठाओ 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 उठाओ। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? सर्वजीत। सर्वजीत, क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इसके कारण आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहती है? सिर को मुदा रहता है? नहीं, बॉडी में ऐसे वीकनेस है, थकान रहती है, क्या होता है? हाँ, इसके कारण आपको क्या होता है, कुछ होता है? इतना क्रोध आंदा। क्रोध आंदा है। और क्या आंदा? दर्द निकलती आज ही। कहाँ पे दर्द निकलती है? यहाँ से, ब्रेस्ट से दर्द निकलती है। और क्या होता है बताओ? एक यहाँ पे है, और बताओ। यही बस दो चीजें। और एक गुस्सा आता है। चेक करो, आप फ्री हो? अब देखो, चेक करो, ध्यान से देखो, है कोई दर्द? ध्यान से देखो, नहीं देखो ना, अपने आप को फील करो। यहाँ जो कह रहे मेरे, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द, देखो अभी है दर्द? ध्यान से देखो, है दर्द? है, ध्यान से चेक कर लो, दबा दूंगे, कहीं ऐसा ना हो बाद में कहो। देख लो, है? तारीफ करो जोर से। कितने लोग विश्वास करते कि वो सच्चा पर। और जैसे ही आज ये बता रहे कि परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से, पूरी बीमारियों से और दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से इनको छुटकारा मिल गया, आज ये बहन बिल्कुल अच्छे हैं। आज ये हर रोज बता रही है कि जो इनको नींद नहीं आती थी, बिल्कुल अच्छे से अभी इनको नींद भी आ रही है। अभी ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनके जीवन को अच्छा किया है। इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे से इस गवाही के लिए। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरा थले। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, 10 साल से ये अपनी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, 10 साल से परेशान थे, 10 साल से इन्हें नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बोलो क्या? 10 साल से, छोटी बात है। हार्ट में दर्द रहती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। हाँ, फिर किसी बाबा जी के पास गए, क्या गए? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, जब जे प्रेग्नेंट थे, आप अपने बच्चे की क्या देनी पड़ेगी, उसकी बलि। हाँ, फिर हमन कराओ, फिर इतने पैसे दो, आपका क्या होगा? हाँ, समझ लो, वो भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया। धन्यवाद है परमेश्वर का इस बात का कि ये खुदा की चुनी हुई थी। अगर ना ये मेरी बहन चुनी होती तो हो सकता है शैतान कुछ भी कर सकता था। समझ आ रही है? तू देखो, आज 7 साल का बेटा हो गया है। कितने साल का? तो छुटकारा फिर भी नहीं मिला। पैसे भी दिए, अमन भी कराया, सब कुछ किया, छुटकारा नहीं मिला। और कब आकर मिला छुटकारा? जब किसकी जीवत हजूरी में आई, जब किसके पास आए, किसके पास आए? देखो, छोटी बात है ये, बोलो, ये छोटी बात है कोई? मैंने कहा ये छोटी बात है कोई? बंदा 10 साल से अपनी तकलीफ में, 10 साल से वो, उसे नींद नहीं आ रही। पता आपको, नींद जिसे ना आए, डॉक्टर के पास जाकर पूछो, वो क्या बताएंगे? देखना, वो बोलेगा, पता नहीं आपको कितनी बीमारियां लग जाएंगी इसके कारण, समझ रहे हो? पर ये कौन ऐसे काम करता है? बोलो, कौन ऐसे काम करता है? कौन ऐसे काम करता है? तो उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा, उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए? कितनी तारीफ होनी चाहिए, छोटी के बड़ी? जोर से अपने हाथों, दोनों हाथों को उठाकर, जोर से आए इस गवाही के लिए। आमीन।